अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम कुछ अल्फाज की जो प्रैक्टिस है वो हम आज करेंगे, मीम और वाओ, ठीक है। इसी तरह बे और वाओ के साथ, ठीक है। और फिर हमने फे और वाओ, इनको लिखना है ऐसे ही। हमने फिर जीम के साथ जब वाव अटैच होगा तो उसकी शक्ल क्या होगी। तो मैंने आपको कहा था कि रे और वाव ये जब अकेले लिखे जाएंगे तो ये इस अपने नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। बाज़ अवकात लोग इसको यूं करके लिख देते हैं, ये गलत है, ठीक है। इन गलतियों का आपने ख्याल करना है। बड़े फॉन्ट में दोबारा से देखिए कि ये मीम है ना, इसके साथ वो, फिर ये बे है इसके साथ वो, ऐसे ही जीम है इसके साथ वो, ठीक है। फिर फे के साथ ये वो, इस तरह करके आपने अल्फाज बनाना शुरू करने हैं। ऐसे ही एक लफ्ज़ सोनू है, और फिर स्वाद वाह, ठीक है। इसके साथ जिस तरह ज़ुआद और वाह जैसे वुजू में लिखा जाता है, ये देखें, ये ऐसे सीड ऑफ एप्पल और इसके साथ अटैच कर दो वाह। ऐसे ही आप लोगों ने काफ और वाह या फे और वाह, नुक्ते पूरे पूरे दिया करें। ये देखें, ये नुक्ते आपने पूरे पूरे देने हैं। अब उसके बाद हमने हे और वो, ये तख्ती हमने सीखनी है, ये देखें, हे और वो की। इसी तरह जिस तरह हुनर के अंदर लिखा जाता है, हे नून और रे, हुनर, ये वाली ही यहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है। हुनर के अंदर ये वाली नून ही आती है। ऐसे ही आप लोग हे वाओ और रे, होर, या हे वाओ और जे, हौज। इसी तरह आपने लाम वाओ और रे, ये आपने अटैच कर देना है। इसी तरह काफ व को भी आपने ऐसे ही लिखना है, ये कशक आ जाएगी, ठीक है। और ये रे, ये देखिए बनावट करीब करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये है छोटे छोटे जो तख्तियां हैं, इनसे जो है ना बड़े अल्फाज आगे जाके बनेंगे। देखें, अच्छा कुछ गलतियां हम लोग करते हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर देते हैं ऐसे, तो ये इतना ज़्यादा जो सफ़र है ये आपने नहीं करना, ये गलत है। सिंपल सा आपने बस ये इतना सा सफ़र करना है। इसी तरह फिर जीम वाओ, और इसको भी इस तरह करके लिखते हैं, ये भी गलत है, ठीक है। आपने भी इसको ज़्यादा जगह नहीं देनी, और ये जो सफ़र है ना ये इतना लंबा आपने नहीं करना। सेम इसी तरह लाम और वाओ को बहुत ज़्यादा जो है ना ये लंबा कर देते हैं, लाम को, ये भी आपने नॉर्मल रखना है ऐसे। बे और वाओ भी ऐसे करना है जिस तरह लाम और वाओ किया है आपने। और फिर फे या काफ वाओ, इसको भी लोग बड़ा कर देते हैं, तो ये भी बदसूरत हो जाता है। ये देखें, ये भी आपने ज़्यादा जगह ले लिया इसकी, ये भी नॉर्मल होना चाहिए, फे और वाओ, ठीक है। फिर
फिर से देखें, फे और वाओ। इसी तरह मीम और वाओ के भी आप लोग बाज़ूकात गलत कर देते हो, ये बहुत ज़्यादा लंबा कर देते हो। अब ये जो आपने सफ़र किया है ये भी बिल्कुल गैर मुनासिब सफ़र है। यहाँ पे आपने सिंपल सा मीम और वाओ, ये ज़्यादा सफ़र आपने नहीं करना, ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये थे हमारे आज जो कुछ तख्तियाँ हैं जिनसे हम लोग बड़े अल्फाज बना सकते हैं। आज हमने इनकी प्रैक्टिस की है, आपने भी इस चीज़ को गौर से देखना है। जिस चीज़ के आपको समझ ना आए आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी हमें बताना है। तो हमारे चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। खुदा हाफिज़।